अपने गार्डन को रंग बिरंगा बनाए रखने के लिए आपने क्रोटन जरूर लगाया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्रोटन को आसानी से कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। वैसे भी इस समय जो बरसात का मौसम है बहुत ही अच्छा होता है क्रोटन के आप कटिंग को आसानी से लगा सकते हैं। तो क्रोटन की कटिंग लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है कि आप कोई भी इसकी स्टेम लगभग 1 से 1.5 फुट की स्टेम आपको कट करनी है, थोड़ी सी सेमी हार्ड टाइप की स्टेम हो उसको आपको कट कर लेना है, कुछ इस तरीके की स्टेम आपको कट कर लेना है थोड़ी सी सेमी हार्ड टाइप की, और इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। और बरसात का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा होता है इस प्लांट के लिए, आसानी से इसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत सारी वैरायटी पे क्रोटन आता है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर येलो पत्ती वाला लिया रखा है इसको हम लगा के दिखाने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, 45 डिग्री टेम्परेचर पर आपको नीचे इसकी जो स्टेम है उसको कट कर लेना है, और लगभग 1 से 1.5 इंच की स्टेम की जो ऊपर वाली खाल है, जो मतलब इसकी टाइट वाली खाल है, उसको हमें छील देना है। छीलने से क्या होगा, इसमें हरा वाला पार्ट ज़्यादा ओपन हो जाएगा और रूट्स निकलने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से 45 डिग्री में हम इसे काट कर लेंगे। काटने के बाद इसको हम इस तरीके से छील जरूर लेंगे। क्रोटन बहुत सारी वैरायटी में आता है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में आता है, बहुत तरह की पत्तियाँ होती हैं और ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती, धूप में ये पौधा ख़राब हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पर मिट्टी ले ली, मिट्टी आपको वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है और आपके पॉट में नीचे 3 से 4 छेद होने ज़रूरी है। मिट्टी ऐसी ना हो कि उसमें पानी रुके, अगर पानी रुक गया तो पौधा बेकार। अब यहाँ पर इस कटिंग को हम एलोवेरा के जेल पे लगा लेते हैं, ये एक तरह से रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल लगाएंगे। मिट्टी ऐसी है कि मिट्टी में आपको यहाँ पर 50% मिट्टी, 30% रेत और लगभग 20% के आसपास इसमें पहले से ही आप गोबर खाद मिला लीजिए, जो आपके पौधे को पोषण भी देती रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रूटिंग हार्मोन लगाया और इन दोनों कटिंग्स को हम इसी पॉट पर लगा देंगे। क्रोटन को लगाने के लिए आप 9 इंच से लेकर के 12 इंच 14 इंच तक के पॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है। अभी हमने इसमें लगाया है, जब रूट्स इसमें डेवलप हो जाएंगी इनको हम रिपोर्ट करके दूसरे प्लांट पे लगा देंगे। तो इस पे हमने पानी दे दिया है। पानी देने के बाद इस प्लांट को किसी छायादार स्थान पर रखेंगे जहां पर अच्छी खासी रोशनी आती हो, धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा। जब इस पे नई पत्तियां आना शुरू हो जाएं तभी आप इसको हल्की फुल्की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि इसमें रूट्स आ चुकी हैं। तो लगभग 15 से 20 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं।